इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के बेहतर भविष्य की साझेदारी के रूप में देखता हूं। दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन, हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है। इनके बिना कोई भी देश, कोई भी रीजन अपने बेहतर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता। इंडो पैसिफिक रीजन तो दुनिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल ग्रोथ हो, पॉपुलेशन हो, स्किल्स हो, इस रीजन का कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल दोनों बहुत व्यापक है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का महत्व और भी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, भारत की जनता एक स्टेबल पॉलिटी और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी इकोसिस्टम को बहुत महत्व देती है। यही वजह है कि 60 साल बाद एक सरकार को लगातार थर्ड टर्म मिला है। भारत की जनता का ये ट्रस्ट बीते एक दशक में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म वाली गवर्नेंस के कारण मजबूत हुआ है। जब देश का सामान्य जमीन नागरिक ये सोच रहा है, तब आप जैसे बिजनेस के लिए, आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए भारत से बेहतर स्थान क्या हो सकता है। साथियों, आज भारत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डेटा, इसके चार मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं। इन सभी को ड्राइव करने वाली एक और बड़ी ताकत आज भारत में है। ये ताकत है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एस्पिरेशनल इंडिया की डबल ताकत भारत के पास है। और एस्पिरेशनल इंडिया को हमारा यूथ ड्राइव कर रहा है। बीती सदी में डेवलपमेंट को मुख्यतः नेचुरल रिसोर्सेज ने गति दी थी।